हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने ये स्केच्स लिए हैं अपने भाई अपनी बहन या अपने बच्चों के लिए, तो इनको ये इनलाइन स्केट्स हैं, ठीक है, एक लाइन में इसके व्हील्स हैं, इनको आप क्वाड कैसे कर सकते हैं, यानी इनको फोर व्हील्स कैसे बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये स्केट्स चाहिए, ठीक है, और उसके बाद ये सेट आता है, ये आपको डिकैथलॉन से मिल जाता है, ये क्वाड्स बनाने के लिए काम आता है। ऐसे आपको दो चाहिए, इसमें लंबे लंबे एक्सल्स होते हैं, लंबे स्क्रू होते हैं, ऐसे आपको चार स्क्रूज चाहिए। अब मेरे पास ये दो पैकेट है और ये स्केट्स हैं, तो इनसे हम क्वाड्स बनाएंगे और इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसको क्वाड्स कैसे बनाते हैं। तो पहले तो आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छा स्क्रू ड्राइवर, काफ़ी मोटा होना चाहिए, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये काफ़ी मोटा स्क्रू ड्राइवर है, ज़्यादा बारीक टाइप का नहीं है, काफ़ी मोटा है। और फिर आपको चाहिए होगी 11 नंबर का पाना। अब ये 11 नंबर का पाना है, देख सकते हो आप 11 नंबर, तो ये 11 नंबर का पाना आपको काम में आएगा। तो सबसे पहले तो बिल्कुल आसान है, बहुत ही इजी है, सिंपल है, आपने स्क्रू ड्राइवर लगाना है, स्क्रू ड्राइवर लगा के इसको खोल लेना है, सारे के सारे स्क्रूज को खोल लेना है और इधर से ये जो ये नट है, नट को भी निकाल लेना है। सबसे इजी पार्ट है, इधर वाला भी और इधर वाला, दोनों को ऐसे करना है। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है कई पेरेंट्स होते हैं वो भूल जाते हैं, ब्रेक्स एक ही साइड होती है, तो बार बार कई बार उनको कन्फ्यूजन रहती है, बट दूसरी साइड नहीं आती, ये एक ही साइड आती है। तो चलिए इनको कन्वर्ट करना स्टार्ट करता हूँ। कैमरा मैं नीचे कर देता हूँ, नीचे करके एंगल अच्छा आएगा और आप अच्छे तरीके से देख पाओगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो चलिए, बहुत ही इजी है, ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे रखता हूँ मैं, आपको आराम से दिखेगा, बहुत ही आसान होता है ये, आप देख सकते हो, सिंपल है, इसको ऐसे खोलना है, पहले वाला खुल गया, फिर दूसरे वाला खोलूँगा, अब तीसरे की बारी, और अब चौथे की बारी। देख सकते हो आप, जो बोल्ट है, बोल्ट गिर गया है, बाहर आ गया है, जिनका नहीं बाहर आया, थोड़ा सा और लूज करूंगा तो वो भी बाहर आ जाएगा, देख सकते हो आप, ये भी आ गया बाहर, इसका रह गया, इसका मैंने हाथ से ऐसे लूज कर दिया और ये बाहर आ गया, और ये आगे अपने जो छोटे वाले स्क्रूज थे ये बाहर आ चुके हैं, ठीक है। और इनका हमेशा ध्यान रखना, जो ये वाले स्क्रूज हैं इनको आपने संभाल के रखना है, क्योंकि अगर ये आपको गुम गए तो डिकैथलॉन आपको दोबारा ये वाले स्क्रूज प्रोवाइड नहीं करने वाला, तो ये आपके स्केट्स के साथ ही आते हैं, तो इसको आपने संभाल के रखना है। संभालने के लिए आप क्या कर सकते हो, अब जो ये वाले हैं, ये लंबे वाले स्क्रूज हैं, इनको मैं निकाल लूँगा। ये आपके साथ 11 नंबर का स्पैनर साथ में आता है, बट ये बहुत छोटा है, इससे आप अच्छे तरीके से टाइट नहीं कर पाओगे। और यही वाला पाउच को मैं यूज़ कर लूँगा, जो ये है स्क्रूज़ हैं, इनको संभालने के लिए, उसको ऐसे वापस ऐसे पैक कर दिया, और ऐसे एक अच्छी सी जगह पे, कहीं पे छुपा के नहीं रखना है, इसको अच्छी सी जगह पे टांग दो, ताकि जब भी बच्चा सीख जाए, ठीक है, सीखने के बाद बैलेंस बनाना सीख लिया, तो ये दोबारा आप ऐसे ही इनलाइन, दोबारा ऐसे इनलाइन कर पाओगे। तो चलिए एक साइड के आपको जो शूज़ हैं उनको मैं करके बताता हूँ। इसमें आप जब भी आप खोलोगे इसको, इसमें आप ध्यान से अगर देखोगे तो एक लंबा सा स्क्रू है, एक बोल्ट है, और इसमें स्पेसर्स हैं, ऐसे छोटे वाले स्पेसर्स हैं और एक लंबा वाला स्पेसर है, तो इनको ही हमने कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन में यूज़ करके ही पता लग जाएगा। और अगर आप देखोगे तो इसमें बड़े ही ध्यान से जो प्ले थ्री है, ये प्ले थ्री है, हमने इसको फॉलो करना है, जैसे ये डायग्राम है, ये डायग्राम को फॉलो करना है। चलो मैं आपको सीधा करके ही बताता हूँ। ये सारे के सारे मैंने स्पेसर्स निकाल लिए दोनों के दोनों में, और मैं क्या करूँगा, अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना है,
ताकि आप अच्छे से कर पाओ। ठीक है, पहले मैं ये लंबे वाला स्क्रू उठाऊंगा और व्हील पे आप अगर ध्यान से देखोगे, एक साइड पे लाइंस है, एक साइड पे लाइंस नहीं है, तो जिस साइड पे लाइंस नहीं है उस तरफ से इसको लगाना है। फिर क्या करना है, एक छोटे वाला एक स्पेसर लेना है, छोटे वाला स्पेसर लेकर फिर आपने इसको और भी करीब कर देता हूँ, आपको और भी अच्छे से दिखेगा। फिर छोटे वाले स्पेसर लगाने के बाद इसको ऐसे इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के बाद फिर लगाना है बड़े वाला, ये बड़े वाला स्पेसर लगा दिया और अभी भी हमारे पास अंदर जगह है तो छोटे वाले स्पेसर को भी साथ में लगा देंगे और ये आगे कर देंगे स्क्रू को। और फिर इस बाहर की तरफ एक और छोटा वाला स्पेसर और ये व्हील को लगा देंगे बाहर, और फिर जो इसके साथ वाला बोल्ट है वही लगाना है। अगर आप जो पहले लगा था वो बोल्ट लगाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं लगेगा, क्योंकि जो ये चूड़ियाँ ये थ्रेड्स हैं ये थोड़े मोटे हैं, जो पहले वाले थे उसमें थोड़े पतले आते थे, वो बाहर से आया है स्क्रू, ये इंडिया में बना है, तो इसमें थ्रेड का फ़र्क है, सेम थ्रेड्स नहीं हैं। और ये मैंने आपको क्लोजअप दिखा दिया कैसे इसको करना है कन्वर्ट। और ये अब ध्यान रखना, जिस साइड ये लोगो है, लोगो वाली बाहर वाली साइड है ये, तो बाहर वाली साइड इसको रखना, तो ये वाला स्क्रू का पार्ट है इसको बाहर वाली साइड रखना, जो ये थ्रेड वाला है ये अंदर होना चाहिए। ये वैसे एस्थेटिक के लिए ही होता है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और अब मैं आपको थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ कैसे मैं इसको कर रहा हूँ, और काफ़ी छोटी बनेगी ये वीडियो, बहुत लंबी नहीं, तो ट्यूटोरियल्स क्या होते हैं, ट्यूटोरियल्स बहुत लंबे ट्यूटोरियल्स होते हैं। अब ये है 4K में बना रहा हूँ, ताकि क्वालिटी अच्छी आए और जल्दी जल्दी मैं शूट करके आपके लिए बना लूँगा। और चलो जी, अब ये हो गया कन्वर्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये दो स्पेयर बचेंगे, ठीक है, इसके लिए घबराना नहीं, ये स्पेयर बचेंगी, एक करने के बाद ये स्पेयर बचेंगे। और अगर आप चाहो सिर्फ पीछे ही लगा सकते हो, सिर्फ एक किट ले सकते हो, ऐसे वाली सिर्फ एक किट लोगे तो बैक साइड पे लग जाएगा, आगे अंदर रहेंगे व्हील्स दोनों में, वो भी आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा, अगर आपको वो चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। चलिए पहले इसको टाइट कर देता हूँ, दूसरे वाले को कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि यही सेम प्रोसीजर आपने दूसरे वाले पे भी फॉलो करना है, और सिंपल है, 11 नंबर का पाना है और स्क्रू ड्राइवर से इसको हमने ऐसे टाइट कर देना है, और ये इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, नॉर्मल सा ही टाइट करना है, ताकि इसमें प्ले ना हो और व्हील्स भी आराम से चले। और हफ्ते में एक बार इसको चेक कर लेना है, क्योंकि शरारती बच्चे हैं, ज़्यादा भागेंगे दौड़ेंगे तो ये लूज हो सकता है। और ये हो गया, चलो जी, अब कैमरे को ऊपर निकाल ले के आता हूँ थोड़ा सा। पंखा बंद कर रखा है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, बट मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए मैंने ऐसे किया, ताकि वीडियो में आवाज़ ना आए, आवाज़ की क्वालिटी बड़ी आए। सो दोस्तों, ये तरीका है आप कैसे ये इनलाइन स्केट्स को, ठीक है, ऐसे क्वाड्स में चेंज कर सकते हो। चाहिए क्या होगा आपको, सिंपल ऐसी दो किट चाहिए, क्वाड्स कन्वर्शन वाली और एक 11 नंबर का पाना और एक अच्छा स्क्रू ड्राइवर, बड़ा वाला, छोटे वाला नहीं चलेगा, सिर्फ यही चीज़ें चाहिए। और सिंपल आप इस डायग्राम को देखकर या मेरी ये वीडियो को, ट्यूटोरियल को देखकर ये बना सकते हो, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से। और अगर आप सिर्फ एक किट लोगे तो फ्रंट वाली साइड में ये दो व्हील ऐसे रहेंगे, पीछे वाले दो व्हील निकाल के सिर्फ ये पीछे ऐसे लगा देना है, फिर वो क्या बोलते हैं, वो मेरे को नहीं पता, थ्री व्हीलर टाइप जैसा बन जाता है, वो आसान रहता है बच्चों के लिए सीखना और फिर आपके लिए भी आसान रहता है। नहीं तो आपको ये किट दो लेनी पड़ेंगी, एक किट है 160 की, दो किट लोगे दो किट का खर्चा आपका लग जाएगा। तो दोस्तों यही है फिर कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, और बाद में जब आपका बच्चा दोबारा इनलाइन पे आ जाए तो इनको संभाल के रखना, संभाल के रखोगे तो बड़े ही आराम से आप इसको कर पाओगे, नहीं तो अगर डिकैथलॉन जाओगे तो आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है मोस्टली, तो क्योंकि ये वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये जो व्हील्स हैं और सॉरी जो स्केट्स हैं उसी के साथ ही आता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काम आई होगी, आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों,
मिलूंगा ऐसे ही नई वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जब आप इनलाइन स्केट्स भी चलाते हो तो ये एक साइड को, जो स्केट्स हैं बच्चे ऐसे करके चलाते हैं, ऐसा पैर रहता है, तो एक साइड को घिसते हैं, तो बराबर व्हील्स घिसने चाहिए, उसका भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।